अगर आप इंडिया के सबसे लंबा चलने वाला कॉमेडी सीरियल यानी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो देखना पसंद करते हैं, इस शो के किरदार आपको अच्छे लगते हैं, तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेठालाल के एक बहुत ही बुरे सपने के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सपने में जेठालाल ने देखा है कि बापू जी बबीता जी, जिनको जेठालाल काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, उनको किस कर देते हैं, वो भी सबके सामने। तो क्या ये हकीकत में हो सकता है, सब कुछ आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, बबीता जी जो है वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, और दयाबेन के जाने के बाद जेठालाल जो है वो थोड़े से अकेले पड़ गए हैं। ऐसे में बबीता जी का चेहरा देखकर उनकी जो दिन है वो बन जाती है। जितना भी वो उदास हो, बबीता जी की एक स्माइल उनका दिन जो है वो काफ़ी अच्छा कर देता है। तो दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आपने जेठालाल और बबीता जी के कई सारे अच्छे अच्छे और फनी मोमेंट्स देखे होंगे, जहाँ पर दयाबेन जो है वो एन मौके पर इन दोनों के बीच में आ जाती है। लेकिन दोस्तों, इस बार जेठालाल एक सपना देखने वाले हैं, जहां पर बबीता जी करने वाले हैं किस उनके बापूजी के साथ। तो दोस्तों, क्या ये हकीकत में हो सकता है या फिर ये एक सपना है, क्या होगा अगर ये सीन सच हो जाता है, तो आप अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।